is our Avogadro week, and the topic for this week is simple linear equation. Today we are going to solve DPP first test paper. Starting with question number 1. In a carbon, in addition to 60 hens, there are 50 goats, 10 camels with some keepers. If total number of feeds be 260 more than the number of heads, find the number of keepers. तो क्वेश्चन बोला है, इसमें बोला है कार्बन में 60 हैंस है, 60 मुर्गियां, 50 गोट्स हैं, 50 बकरियां, 10 कैमल्स हैं, 10 ऊंट हैं, और विद सम कीपर्स, और उनको देख रेख करने के लिए कुछ लोग. इफ द टोटल नंबर ऑफ द फीड्स, अगर टोटल फीड्स मतलब पैर वो 260 मोर देन द नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स से 260 है मतलब सर से 260 ज्यादा है, तो फाइंड द नंबर ऑफ कीपर्स. तो ये हमको बताना है कि वहां पर कितने कीपर्स हैं, मतलब उनको देख रेख करने के लिए कितने लोग हैं वहां पर. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 60 हैंड्स के पैर कितने होंगे. नंबर ऑफ फीट ऑफ 60 हैंड्स, तो एक मुर्गी के दो पैर होते हैं, तो 60 के कितने हो जाएंगे, 60 इंटू 2, तो ये हो जाएंगे हमारे 120 फीट. ऐसी नंबर ऑफ फीट ऑफ 50 गोट्स, 50 बकरियों के पैर कितने हो जाएंगे, 50 इंटू 2, 100, ठीक है. 50 बकरियों के पैर कितना होगा, 50 इंटू 2, 100. अभी कैमल्स के नंबर ऑफ फीट ऑफ 10 बकरियों के, सॉरी 50 इंटू 4, 200. तो नंबर ऑफ फीट ऑफ 10 कैमल, तो कैमल्स के कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 4, 40, ठीक है. अब कुछ आदमी भी है उनके हमको नहीं पता, तो लेट कर लेते, लेट नंबर ऑफ फीट ऑफ सम मैन ये कीपर्स, ऑफ सम कीपर्स या एक्स कीपर्स इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स, ठीक है, 2 इंटू एक्स. एक कीपर के दो पैर होंगे तो एक्स के हो जाएंगे 2 इंटू एक्स. तो टोटल फीट्स, यहां पे टोटल नंबर ऑफ फीट कितने आ गए, 120, 200, 320 एंड 40, 360. तो सर 360 प्लस 2x, ये वाला 2x, ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ फीड्स आ गए हमारे 360 प्लस 2x. अब इसने बोला है टोटल नंबर ऑफ फीड्स जो है वो 260 ज्यादा है नंबर ऑफ हेड से, तो टोटल नंबर ऑफ हेड भी निकाल लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ हेड, ठीक है, तो 60 हैं, 60 हेड्स होंगे, 50 गोट्स हैं, 50 ही हेड्स होंगे, 10 कैमल हैं, 10 ही हेड्स होंगे, और एक्स कीपर हैं, तो एक्स ही उनके हेड्स होंगे. तो टोटल कितने हेड्स रहेंगे, 60 प्लस 50 प्लस 10 प्लस एक्स, 110, 120 एंड 120 प्लस एक्स. तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स हो गए 120 प्लस एक्स. अब इसने जो स्टेटमेंट में बोला है कि नंबर ऑफ फीट जो कि कितना है 360 प्लस 2x, वो नंबर ऑफ हेड से, नंबर ऑफ हेड से 260 ज्यादा है, नंबर ऑफ फीट नंबर ऑफ हेड से 260 ज्यादा है. तो हमने ये इक्वेशन बना ली, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, तो 2x, ये x इधर आ जाएगा, ये आ गया 120 प्लस 260 और ये इधर माइनस, ठीक है. 2x इक्वल्स टू, 2x में से x दे दो बचा x, इक्वल्स टू 120 और फिर 260 में से 360 गया तो बचा 100 माइनस का, और 120 में से 100 गया तो आ गया 20. तो नंबर ऑफ कीपर्स कितने हो गए हमारे 20, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कीपर्स जो उनकी देख रेख के लिए वहां पे रखे गए थे वो थे 20. तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट
नेक्स्ट है सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू बतानी है हमें. हमारे पास इक्वेशन है 2x plus 2 plus 5x equals to minus 10. तो x वाले एक तरफ, ये x वाले एक साथ, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गया 3x, और ये 2 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, 3x equals to minus 12, x equals to minus 12 upon 3 equals to minus 4. तो ऑप्शन डी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है सोफिया इज बाइंग ए गोल्ड चेन. सोफिया एक गोल्ड चेन खरीद रही है. गोल्ड चेन कॉस्ट 2.50 पर सेंटीमीटर. गोल्ड चेन की जो कॉस्ट है वो 2.50 डॉलर पर सेंटीमीटर है. हाउ मेनी सेंटीमीटर कैन शी बाय इफ शी हैड 30 डॉलर टू स्पेंड. अगर उसके पास टोटल 30 रुपए हैं तो वो कितनी सेंटीमीटर या कितनी लंबी चेन वो खरीद सकती है. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. जैसे ये इस टाइप से क्वेश्चन है कि एक टॉपिक 2 रुपए की है और आपके पास 100 रुपए है तो कितनी टॉपिक खरीदोगे. तो 100 को 2 से डिवाइड कर दो 50 टॉपिक आ जाएगी. तो सिमिलर यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ चेन शी कैन परचेज. ठीक है, तो लेंथ ऑफ चेन शी कैन परचेज इक्वल्स टू टोटल कितने रुपए उसके पास 30 डॉलर और एक सेंटीमीटर कितने की 2.50 की. उसको इससे डिवाइड कर देंगे. ठीक है, 2 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 बन जा, 4 जा, 3 4 जा 12. तो 12 सेंटीमीटर लंबी हो जाए कर सकती है ऑप्शन सी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर में बोला हुआ है नेट इज सेविंग अप टू परचेज ए न्यू कंप्यूटर. नेट नाम है किसी का. नेट पैसे बचा रही है ताकि वो एक कंप्यूटर खरीद सके. नेट पैसे बचा रहा है ताकि वो कंप्यूटर खरीद सके. ही हैज 175 डॉलर. ठीक है, उसके पास 175 रुपए हैं पहले से एंड कैन सेव 20 पर मंथ. और 20 पर मंथ मतलब हर महीने 20 डॉलर बचा सकता है पर मंथ. ठीक है, हर महीने 20 डॉलर बचा सकता है. तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू सेव 515 रुपी. तो उसको कितना पैसा लगेगा 515 रुपी बचाने में, या कितने टाइम लगेगा, कितना टाइम उसको लगेगा 515 रुपी करने में. तो पहले हम देख लेते हैं 515 उसको करने हैं. ठीक है, अभी उसके पास 175 डॉलर ऑलरेडी है तो उसको इसमें से माइनस कर देते हैं. तो कितना बचा 5, यहाँ पे 4, ठीक है 4 और 3. तो मतलब उसको और 340 डॉलर करने हैं. ठीक है, और वो 20 डॉलर हर महीने बचा भी रहा है. तो नंबर ऑफ मंथ, क्योंकि आंसर में मंथ्स है ना, या टोटल टाइम भी लिख सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट में. टोटल टाइम टेकन बाय हिम टू सेव 340 डॉलर. तो टोटल 340 डॉलर उसको बचाने में या उसको करने में कितना टाइम लगेगा. तो 340 को डिवाइड कर देंगे 20 से. उससे डिवाइड किया तो 17 मंथ्स उसको लगेंगे 340 डॉलर बचाने में. ठीक है, बहुत सिंपल था. 515 उसको करने थे, 175 उसके पास ऑलरेडी थे, तो उसको इससे माइनस कर दिया. तो बचे कितने, रेस्ट 340 डॉलर उसको और जमा करने हैं. आगे स्टेटमेंट में उसने दिया हुआ था कि 20 डॉलर हर महीने बचाता है. तो एक महीने में 20 डॉलर बचा रहा है तो 340 डॉलर करने में कितना टाइम लगेगा. तो 340 को 20 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 तो बोला है देयर आर 76 मोर एप्पल्स देन ऑरेंजेस इन ए फ्रूट स्टॉल. एक फ्रूट स्टॉल में 76 ज्यादा एप्पल्स हैं ऑरेंजेस से. अगर लेट कर लें, लेट नंबर ऑफ ऑरेंजेस, अगर लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ ऑरेंजेस एक्स हैं, तो नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हो जाएंगे इससे 76 ज्यादा, तो एक्स प्लस 76.
ठीक है, आगे बोला है आफ्टर 68 एप्पल्स एंड 227 ऑरेंजेस वर सोल्ड, ठीक है, जब उसने 68 एप्पल्स बेच दिए एंड 227 ऑरेंजेस बेच दिए, तो द नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट वाज 6 टाइम्स दैट ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो अब जितने एप्पल्स बचे वो ऑरेंजेस का 6 टाइम्स है, तो पहले देख लेते कितने ऑरेंजेस बचे, तो आफ्टर सेलिंग बेचने के बाद नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने बचे, x माइनस कितने बेच दिए उसने 227, और नंबर ऑफ एप्पल्स कितने बचे, x प्लस 76 माइनस 68, ठीक है, x प्लस यहां आ जाएगा कितना 8, ठीक, उसके बाद टोटल x ऑरेंजेस थे और एप्पल हो जाएगी x प्लस 76, अब उसने ऑरेंजेस बेच दिए 227, तो x में से 227 माइनस कर देंगे तो बचे हुए ऑरेंजेस आ गए, अब नेक्स्ट उसने एप्पल बेच दिए 68, तो टोटल इतने थे उसमें से 68 माइनस कर दिया तो x प्लस 8 आ गया, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला है तो नंबर ऑफ एप्पल्स, तो नंबर ऑफ जो एप्पल्स हैं वो 6 टाइम्स हैं किसका, नंबर ऑफ ऑरेंजेस का, ठीक है, द नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट वॉज 6 टाइम्स दैट ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ठीक, इसके बाद हमको बताना है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस एट द फ्रूट स्टोर, तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कितने होंगे, तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, हो गया 6x माइनस का 42, 4 कैरी 12 और 16 1 कैरी 12 1 कैरी, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 6x 1362 माइनस 8, ठीक है, यहां से बचा 5x और ये हो गया माइनस का 4370, तो x निकालना है तो ये माइनस का 5 चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है, 5 2 5 7 5 4, x इक्वल्स टू आ गया हमारा 274, ठीक है, x क्या था ऑरेंजेस, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस आ गए 274, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस इक्वल्स टू x, और x की वैल्यू ये 274, ऐसी नंबर ऑफ एप्पल्स वो रहेंगे x प्लस 76 मतलब 274 प्लस 76 तो 80 एंड 350, ठीक, नंबर ऑफ ऑरेंजेस भी आ रहे, नंबर ऑफ एप्पल्स भी आ रहे, टोटल फ्रूट इन द स्टॉल दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को जैसे ऐड करा 4 12 1 2 5 6, तो 6 2 4 ऑप्शन ए कर, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, एक्स ऑरेंजेस लाइट कर लिए, एप्पल्स उससे 76 ज्यादा तो x प्लस 76, उसने फिर ऑरेंजेस 227 बेच दिए तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट लिख लेना है यहाँ पे, लेफ्ट नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट, और एप्पल उसने 68 बेच दिए तो नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट टोटल में से 68 माइनस, उसके बाद कंडीशन दी थी कि जो नंबर ऑफ एप्पल्स है वो ऑरेंजेस का 6 टाइम है, तो नंबर ऑफ एप्पल्स ऑरेंजेस का 6 टाइम, तो ऑरेंजेस में पूरे में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है मल्टीप्लाई किधर करनी है, ठीक है, मैं एक चीज बता रहा हूँ, एप्पल्स की जो वैल्यू है वो इसके सामने है कि नंबर ऑफ एप्पल्स ऑरेंजेस के 6 टाइम है, तो 6 टाइम हमको इधर करना पड़ेगा, देखो जैसे एक मैं इक्वेशन लिखूं तो मैं ये बोल रहा हूं कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये है जो उसके सामने है, ठीक है, यहां पर जो है वो x की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो इस 2 को भी मुझे सामने पहुंचाना पड़ेगा, ठीक, ऐसे मैं बोलूं y की वैल्यू क्या है, यहां पे इसके साथ कुछ नहीं है 1 कह रही है तो ये 1y की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू ये 16 है, तो ऐसे एप्पल में अगर एप्पल की वैल्यू निकालनी है तो मुझे 6 टाइम्स इधर करना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है x की वैल्यू निकालनी है अगेन 3x माइनस 1 अपॉन 5 माइनस x प्लस 1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 x माइनस 1 अपॉन 2,
सारे x वाले एक तरफ कर लेते हैं, 3x-1/5-1+x/2, उसको इधर ले आता हूँ, ये माइनस का इधर आके प्लस का, बाकी अंदर साइन सेम रहेगी, ठीक है, साइन आगे वाला चेंज होगा केवल, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होंगे, केवल आगे वाला। अब पूरे का एलसीएम लिया तो 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 के टेबल में 10 2 बार में, तो इसमें 2 से इंटू, 2 के टेबल में 10 5 बार में 5 से इंटू, अगेन 2 के टेबल में 10 5 बार में 5 से इंटू, इक्वल टू 3, इंटू कर रहे हैं 3 2 जस्ट 6, 3 1 जस्ट 3, सॉरी 2 3 जस्ट 6, 2 1 जस्ट 2, 5 1 जस्ट 5, प्लस माइनस प्लस माइनस, 5x जा 5x, माइनस प्लस माइनस, 5x जा 5x, प्लस माइनस माइनस, 5 जा 5, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ये पूरे के नीचे है ना, तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई तभी होती है जब वो नीचे वाली या डिनोमिनेटर वो पूरे के अकॉर्ड में हो, अगर ये ऐसे है जैसे यहां पर है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई तभी होती है जब ये पूरे के नीचे होता है, ठीक। तो यहां पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 10 की, इधर इधर आ गया हमारा माइनस 5x से प्लस 5x कैंसिल आउट, ठीक है, 6x माइनस माइनस प्लस, माइनस के 7 और माइनस के 5, तो ये हो गया माइनस के 12 इक्वल्स टू 30, तो 6x इक्वल्स टू इधर ले जाएंगे इसको 12, इधर माइनस के इधर आगे प्लस, तो 6x इक्वल्स टू 42 और x इक्वल्स टू 42 अपॉन 6, तो आंसर आ गया 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला हुआ है 0.2 मल्टीप्लाइड 2x माइनस 1 माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0.4, अगेन इसमें भी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15 का 1 आगे आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई करनी आती है आपको, माइनस माइनस प्लस 0.5 की 1 से करेंगे तो 0.5 इक्वल्स टू 0.4, ठीक है, एक्स वाले एक साथ, तो 1.5 में से 0.4 ये, तो 1.1 बचेगा माइनस का, ठीक है, माइनस वो प्लस माइनस 0.5 में से 2 के तो प्लस का 0.3 इक्वल्स टू 0.4, माइनस का 1.1 और ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1.1x इक्वल्स टू 0.1, एक्स निकालना है तो ये अपॉन में चला जाएगा 0.1, ठीक है, तो इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका भी पॉइंट हटेगा, तो इधर 10 आएगा, इसका पॉइंट हटा तो नीचे 10, इसका पॉइंट हटा तो ऊपर 10, दोनों कैंसिल आउट, तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 1/11, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, माइनस का 1/11 ऑप्शन बी करेक्ट। बस एक चीज आपको बता देता हूं, जैसे 1.1 में से मैंने जब 0.5 माइनस किया तो ये एग्जाम्पल ले लेते, 1.1 में से 0.5 माइनस करना है तो ये ऐसे माइनस होगा 1.1, इसका पॉइंट जस्ट इसके नीचे और 5 बाद में, तो बाद में आएगा, ठीक है, और 0 आ गया, ठीक, माइनस करेंगे तो यहां से कैरी गया 11 और मैं से 5 गया तो 7, यहां बचा 0, ठीक। ऐसे अगर 2 में से मुझे 0.5 माइनस करना होता तो 2, इसका पॉइंट कोई शो नहीं हो रहा, लास्ट में 0 करेंगे तो यहां कर दिया, इसका पॉइंट इसके नीचे 5 यहां 0, यहां यहाँ कुछ नहीं अपनी तरफ से 0, इधर जाएगा कैरी 1, 10 में से 5 गया 5 और इधर कुछ 1, तो इस टाइप से करना है आपको पॉइंट ऑफ माइनस, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो बस, बाकी जो भी है वैल्यू उसको रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ए नंबर इज 3 लेस देन 2 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 2 टाइम्स से 3 कम है, ठीक है, ए नंबर इज 3 लेस देन 2 टाइम्स द अदर, ठीक, तो लेट कर लेते, लेट अदर नंबर, अदर नंबर, तो लेट अदर नंबर एक्स हो गया, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसके
टू टाइम्स ए थ्री कम. आगे बोला है इफ देयर सम इज इंक्रीज बाय 7 द रिजल्ट इज 37. अगर इनका सम जो है सम कर देते हैं डायरेक्टली, इनका जो सम है उसको 7 बढ़ा दें तो रिजल्ट कितना आ जाता है 37 आ जाता है. इनका जो सम था अगर उसको 7 इंक्रीज कर दे तो रिजल्ट 37 आ जाता है. सॉल्व कर लेते हैं 2x और x 3x माइनस 7 माइनस 3 प्लस 7 प्लस 4 37 ये प्लस का 4 इधर आके माइनस, तो 3x इक्वल्स टू 33 x इक्वल्स टू 33 अपॉन 3 बचा 11. तो आंसर आ गया 11. तो फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा 11. सेकंड अदर नंबर या सेकंड नंबर तो आ गया हमारा अदर नंबर या सेकंड नंबर आ गया x और x वैल्यू आ गई 11 एंड फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 11 माइनस 3 22 माइनस 3 19. तो ऑप्शन देख लो 11 और 19 किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में 11 एंड 19. क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है 1/2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, तो लेट नंबर बी एक्स. ठीक है, तो इसका इसमें से 1/2 सबट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर कर दिया एंड डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 4 और जो ये डिफरेंस आया इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, आगे इफ 25 इज एडेड टू द प्रोडक्ट, अगर इसमें 25 हम एड कर दें प्रोडक्ट में, द सम इज डिवाइडेड बाय 3 और इस पूरे को 3 से डिवाइड कर दे तो रिजल्ट आ जाता है 10. ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ी सी घुमा के दी गई है पर इसको इजिली समझते हैं. इसने बोला सबसे पहले एक नंबर में से 1/2 सबट्रैक्ट करना है, तो हमने लेट नंबर एक्स कर लिया, इसमें से 1/2 कर दिया सबट्रैक्ट. आगे डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 4, जो डिफरेंस है मतलब माइनस करके जो आया इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है पूरे को. तो नेक्स्ट 25 इज एडेड टू प्रोडक्ट, अब ये जो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई टू प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हमने 25 ऐड कर दिया, फिर आगे बोल दिया एंड द सम, जैसे ये ऐड किया तो ये क्या चीज है सम, तो ये सम इससे डिवाइड हो जाएगा 3 से और रिजल्ट कितना आ जाएगा 10 इक्वल्स टू 10. बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, 4 के अंदर मल्टीप्लाई 4x, 4 की इसमें मल्टीप्लाई 4/2, 25 ये पूरे के अपॉन में था 3 तो इसकी होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर ये आ गया 4x माइनस 2 प्लस 25 इक्वल्स टू 30, तो 4x माइनस प्लस माइनस 23 30, तो 4x इक्वल्स टू 30 माइनस 23 तो x इक्वल्स टू 7/4. यहाँ 7 बचेगा माइनस करके, ये 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोला रमेश गॉट 5 मार्क्स मोर देन सोनू इन द टेस्ट, तो लेट कर लेते लेट सोनू गॉट मार्क्स इक्वल्स टू x. तो बोला रमेश गॉट 5 मार्क्स मोर, तो रमेश गॉट मार्क्स इक्वल्स टू इससे 5 ज्यादा. अगली इधर टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय देम इज 15, अगर दोनों मिलकर 15 स्कोर करते हैं तो हाउ मेनी मार्क्स डिड रमेश गेट, तो रमेश को कितने मिले. बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये आ गए 10 और ये आ गए 10/2, ये आ गए 5. तो x मतलब सोनू के मार्क्स 5 है तो रमेश के इससे 5 ज्यादा, तो x प्लस 10 मतलब 5 प्लस रमेश के मार्क्स ये ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे 5 तो 5 5 10, तो आंसर आ जाएगा 10 ऑप्शन सी. ठीक है, तो यहाँ पे डीपीपी फर्स्ट सीट कंप्लीट होती है.